प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंग्लैंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी लंदन में मोदी का बेहद व्यस्त कार्यक्रम है। सबसे पहले प्रधानमंत्री कारोबार जगत के सीईओ के साथ बैठक करेंगे। दोपहर में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के साथ बकिंगहम पैलेस में पीएम लंच करेंगे और शाम में मशहूर वेम्बले स्टेडियम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। वेम्बले स्टेडियम पीएम मोदी के भाषण के लिए पूरी तरह से तैयार है। माना जा रहा है कि वेम्बले में करीब 70,000 लोग प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आ रहे हैं। मोदी के संबोधन से पहले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है। लोगों में मोदी को सुनने के लिए गजब का उत्साह है। प्रधानमंत्री कैमरन अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने असहिष्णुता पर चुप्पी तोड़ी। एक सवाल के जवाब में मोदी ने कहा कि हमारे लिए हर घटना गंभीर है और हर घटना पर हम कार्रवाई करते हैं। पीएम ने कहा कि भारत बुद्ध और गांधी का देश है जहां सबकी सुरक्षा के लिए सरकार वचनबद्ध है। भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जो संविधान के तहत सामान्य से सामान्य नागरिकी के जीवन को हर प्रकार की सुरक्षा, उसके विचारों की रक्षा उससे प्रतिबद्ध है और इस काम पर हम कमिटेड हैं। लंदन में भारत और ब्रिटेन के बीच असैनिक परमाणु करार भी हुआ। पीएम ने रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर भारत का पक्ष रखा। दोनों देशों के बीच आतंकवाद से निपटने पर भी बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद को पनाह देने वालों का दोनों देश बहिष्कार करें। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मामले में भी भारत की दावेदारी का समर्थन करेगा ब्रिटेन। मोदी के यूके दौरे के साथ ही दाऊद पर शिकंजा और कसेगा। सूत्रों के मुताबिक यूके को दाऊद की संपत्तियों से जुड़ा डोजियर भारत सौंपेगा। आज तक के पास यूके को सौंपे जाने वाले डोजियर की एक्सक्लूसिव जानकारी है। एनएसए अजीत डोवाल ब्रिटिश अधिकारियों को डोजियर सौंपेंगे। सूत्रों के मुताबिक यूके में दाऊद की करीब 1,500 करोड़ की संपत्ति है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ब्रिटेन की संसद को भी संबोधित किया। ऐसा करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। मोदी ने कहा कि मैं किसी सरकार के प्रमुख की हैसियत से नहीं बल्कि लोकतंत्र के नुमाइंदे के तौर पर ब्रिटेन आया हूँ। संसद में संबोधन से पहले लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर पीएम मोदी और डेविड कैमरून ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा कि ब्रिटिश संसद के बाहर गांधी की मूर्ति का होना एक गौरव की बात है। इससे पहले लंदन पहुंचने पर किंग्स चार्ल्स स्ट्रीट में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लंदन के जेम्स स्ट्रीट पर पीएम मोदी के स्वागत में प्रवासी भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। लंदन में पीएम मोदी ने टावर ब्रिज का भी दौरा किया। पहले दिन के अपने आखिरी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने गिल्डहॉल के भाषण में कारोबारियों से कहा कि इस वक्त भारत आना अकलमंदी है। बिहार चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद शीर्ष नेतृत्व की काबिलियत पर सवाल उठने के सिलसिले के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। जोशी के घर पर यह मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। माना जा रहा है कि बिहार में हार के बाद पार्टी के अंदरूनी हालात पर दोनों में बातचीत हुई। 20 नवंबर को नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण से पहले आज पटना में आरजेडी विधायकों की अहम बैठक है। बैठक में सरकार निर्माण पर बातचीत होगी। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में उप मुख्यमंत्री और स्पीकर पद को लेकर भी कोई ठोस फैसला हो सकता है। बिहार में कांग्रेस ने शानदार सफलता हासिल की है, लेकिन नीतीश सरकार में कांग्रेस शामिल होगी कि नहीं इसका फैसला भी पार्टी जल्द ही करेगी। कहा जा रहा है कि इसे लेकर भी कांग्रेस में जल्द ही एक बैठक होगी जहां आखिरी निर्णय किया जाएगा। 20 नवंबर को पटना में नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी न्योता भेजा जा रहा है। बिहार में महागठबंधन की जीत के बाद जेडीयू सांसद रामनाथ ठाकुर ने भी बीजेपी पर हमला बोल दिया है। राज्यसभा सांसद रामनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में अब विस्फोट हो चुका है और केंद्र से उसका जाना तय है। रामनाथ ठाकुर ने यहां तक कहा कि 1 से 2 महीने के अंदर पीएम पद से नरेंद्र मोदी का जाना पक्का है। बिहार में बीजेपी की करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। खबर है कि ममता बनर्जी मोदी के खिलाफ एक जैसे विचारों वाले मुख्यमंत्रियों की बैठक कोलकाता में बुलाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इस बैठक में नीतीश, केजरीवाल, मुलायम शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वन रैंक वन पेंशन मामले में पूर्व सैनिकों का समर्थन किया है। जंतर मंतर पर चल रहे पूर्व सैनिकों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए केजरीवाल आज शाम 4 बजे जंतर मंतर जाएंगे। वन रैंक वन पेंशन आंदोलन से जुड़े लोगों ने 3 बार केजरीवाल से मुलाकात की है और उनसे अपनी मांगों के समर्थन का अनुरोध किया है। कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के सरकारी फैसले पर बवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में मारे गए विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता की मौत पर आज वीएचपी ने बेंगलोर में रास्ता रोको आंदोलन का आह्वान किया है। वीएचपी का प्रदर्शन सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगा। दूसरे शहरों मांड्या, मैसूर, टुमकुर और चिकमंगलूर में भी रास्ता रोको आंदोलन का ऐलान है। बीजेपी ने कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी का आरोप है कि सीएम सिद्धरमैया कानून नहीं संभाल पा रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछा है कि कलबुर्गी मर्डर के आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ पाई राज्य सरकार। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी कर्नाटक सरकार को नसीहत दी है और कहा है कि वो लोगों की भावनाओं का ध्यान रखें। वेंकैया के मुताबिक आग में घी डालने का किसी को हक नहीं। दक्षिण फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन ने विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है। कमल हासन ने चंद्रबाबू को नई राजधानी के निर्माण की शुभकामना दी और वहां फिल्म इंडस्ट्री के निर्माण की मांग रखी। भारत ने अपराधी नूर हसन को बांग्लादेश को सौंप दिया है। नूर हसन बांग्लादेश का कुख्यात अपराधी है जिसकी 7 लोगों के कत्ल में तलाश थी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने जून 2014 में नूर हुसैन को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो भारत में घुसने की फिराक में था। इससे पहले बांग्लादेश ने उल्फा आतंकी अनूप चेतिया को भारत को सौंपा था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सालाना दीप महोत्सव की रौनक देखते ही बन रही है। इस खास मौके पर लोगों ने 1 लाख दिए रोशन किए। हर साल शांति की कामना के साथ दीप महोत्सव मनाया जाता है। पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। दिवाली के दूसरे दिन अयोध्या के हनुमान बाग मंदिर में 56 भोग तैयार किए गए। 56 भोग भगवान श्री राम के लिए बनाए गए। मंदिर के मुख्य पुजारी के मुताबिक दोपहर 12 बजे रामलला को 56 भोग ग्रहण कराया गया। दिल्ली में आज पहली बार यमुना की आरती का नजारा देखने को मिलेगा। कुदेसिया घाट पर केजरीवाल सरकार ने गंगा आरती की तर्ज पर यमुना आरती का आयोजन किया है। दिल्ली पर्यटन को बढ़ावा देने के सरकार के फैसले का ये एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ताजमहल की ओर पर्यटकों का रुख कराने के लिए पहली बार ताज बैलून उत्सव का आयोजन किया है। ये उत्सव 14 से 16 नवंबर तक चलेगा जिसका उद्घाटन आज ही किया जाएगा। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसमें शामिल होंगे। शिमला के करीब दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाने वाला पत्थर मेला इस बार भी पूरी शानो शौकत के साथ मनाया गया। इस मेले में हर बार की तरह सैकड़ों लोग 2 गुटों में बंटकर एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं जिसमें दर्जनों लोगों को चोट लगती है। बावजूद इसके जानलेवा प्रथा बदस्तूर जारी है। इंदौर से सटे गौतमपुरा में परंपरा के नाम पर मौत का खेल हिंगोट युद्ध खेला गया। यहाँ दीपावली के दूसरे दिन 2 गांव के लोगों ने एक दूसरे पर बारूद के गोले फेंके। इस हिंगोट युद्ध में कई लोग घायल हुए लेकिन प्रशासन भी आंख और कान बंद करे बैठा है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मध्य प्रदेश के बैतूल में पुरानी रूढ़ीवादी परंपरा के अनुसार मनाई गई। इसमें पूजा के दौरान छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोबर में ही बड़ी बेरहमी से फेंका गया। ये सब देख रहे कई बच्चे तो डरे सहमे से नजर आए लेकिन लोगों ने परंपरा के नाम पर उन्हें भी नहीं बख्शा और यहाँ भी प्रशासन मूक बधिर बना रहा। हर वर्ष की तरह गोवर्धन पूजा के मौके पर लालू यादव और जेडीयू नेता श्याम रजक पटना के नंदलाल छपरा गांव में पहुंचे और बड़े ही भाव विभोर होकर गोवर्धन की पूजा की। लालू जब सत्ता में थे तो यहां पूजा करने जरूर आते थे लेकिन कुर्सी जाते ही वो कुछ सालों से यहां नहीं आ रहे थे। लेकिन हालिया जीत मिलते ही लालू की पुरानी अपनी परंपरा फिर से जीवित हो गई।
केरल के कोची में सड़क सुरक्षा के लिए बुलेट बाइक रैली का आयोजन किया गया। बुलेट रैली कोची में शुरू होकर तमिलनाडु के ऊटी में खत्म होगी। इस रैली से बाइक सवारों को हेलमेट के इस्तेमाल के लिए जागरूक किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में छात्रों और पुलिस के बीच हल्की झड़प हुई। छात्रों का समूह बॉक्साइट खनन मामले में सरकार का विरोध कर रहा है। प्रदर्शन के साथ साथ छात्र पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल पर भी बैठे थे, जिन्हें पुलिस ने जबरन वहां से हटा दिया। दिल्ली के खजूरी खास में बीती रात भीषण सड़क हादसा हुआ। एक बेकाबू कार ने परिवार को टक्कर मार दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। चार लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में सीवर लाइन में अचानक धमाका हो गया, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। मामला पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। ब्लास्ट के दौरान दो लड़के बाल बाल बच गए। लोगों का कहना है कि कई महीने से सीवर लाइन की सफाई नहीं होने से अंदर कार्बन गैस बन गई और इतना भयानक हादसा हुआ। दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी की सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की पाइप में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में जल बोर्ड की लापरवाही के साथ साथ उस कंपनी की भी लापरवाही सामने आई है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट जल बोर्ड के साथ था। दिल्ली के थाना जाफराबाद इलाके के राजपूत मोहल्ला में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की घटना दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सभी आरोपी अब तक फरार हैं। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में महिला ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त महिला घर में अकेली थी। पुलिस सूत्रों की माने तो महिला डिप्रेशन की शिकार थी और इसी वजह से उसने खुदकुशी की। पुलिस को महिला का लिखा सुसाइड नोट भी मिला है। दिल्ली के भलसवार डेयरी में दिवाली के जश्न में एक दर्दनाक हादसा हुआ। दिवाली से अगले दिन बच्चों ने स्टील के ग्लास में रखकर पटाखा बम फोड़ा, जिससे ग्लास फटकर एक बच्चे के पेट और दूसरे के चेहरे में घुस गया। इससे एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। बेंगलोर में एक 30 साल की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला का आरोप है कि कबन पार्क इलाके में दो सुरक्षा गार्ड्स ने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 500 मीटर की दूरी पर तारबंदी पार कर पाकिस्तान जाने की फिराक में 8 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने पकड़ा है। ये सभी बांग्लादेशी एजेंट के साथ श्रीगंगानगर पहुंचे, जहां ये पकड़े गए। बांग्लादेशियों से पूछताछ के बाद बीएसएफ ने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। जालंधर पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जो अपने आप को आयकर विभाग का बड़ा अधिकारी बताकर भोले भाले लोगों को ठगता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम राजेंद्र है, जिसे शिमला के बल्दिया से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में भीषण आग लग गई। आग कल शाम करीब 6:15 बजे लगी। आग बुझाने के लिए 22 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। जहां आग लगी वो ऑटो पार्ट्स का एक गोदाम था। आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। ओडिशा के पुरी रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई, जब आउटर यार्ड में खड़ी 3 ट्रेन में एक के बाद एक आग लग गई। इस मामले में 2 लोगों को संदेह के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नीलांचल एक्सप्रेस, तिरुपति एक्सप्रेस और हावड़ा पुरी एक्सप्रेस की बोगियों में आग लग गई। अभी तक आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। लखनऊ के ऐशबाग इलाके के झुग्गी झोपड़ियों में भी आग लग गई। उस हादसे में सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। माना जा रहा है कि पटाखे फोड़ने के दौरान चिंगारी लगने से आग भड़क उठी। घटना के बाद सैकड़ों झुग्गीवासी बेघर हो गए। यूपी के बुलंदशहर में पुरानी जेल परिसर के पटाखा बाजार में खरीदारी के दौरान पटाखे चेक करने के दौरान आग लग गई। आग से हजारों रुपए की आतिशबाजी का सामान और 3 वाहन जलकर बर्बाद हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक बाप ने गोद ली हुई अपनी 7 साल की बच्ची को नहर में फेंक कर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन नहर में पानी कम होने की वजह से बच्ची की जान बच गई। दरअसल परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसके बाद से ही पिता का बच्ची पर जुल्म बढ़ता गया। घटना के बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आजमगढ़ में भूमि विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों के परिवारों में खूनी संघर्ष हुआ। फावड़े, गड़ासा और रॉड के हमले से एक भाई की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 महिलाओं समेत 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मेहनगर थाना के देवईत गांव की है। पुलिस ने मामले में 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 3 को गिरफ्तार किया है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट खेलने के लिए टीम इंडिया बैंगलोर पहुंच गई है। कल से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है। भारत टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है। ऑलराउंडर गुरकीरत सिंह मान को भी भारतीय टेस्ट में शामिल किया गया है। बेंगलोर टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज फ्लैंडर चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए हैं। उधर एबी डिविलियर्स ने कहा है कि मोहाली टेस्ट में हमारी हार को ज्यादा तवज्जो दिया गया। डिविलियर्स ने कहा कि पिच की वजह से दोनों ही टीमों ने संघर्ष किया। डीडीसीए और दिल्ली सरकार के बीच विवाद और बढ़ गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई है जो शनिवार तक रिपोर्ट देगी। भारत के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी ने पूर्व खिलाड़ियों के साथ मिलकर डीडीसीए के खिलाफ मोर्चा खोला है। डीडीसीए ने कहा है कि 3 दिसंबर से दिल्ली टेस्ट कराने की हर संभव कोशिश जारी है। क्रिकेटर युवराज सिंह ने फिल्म अभिनेत्री और मॉडल हेजल कीच से सगाई कर ली है। इंडोनेशिया के बाली में दिवाली के दिन दोनों की सगाई हुई। फरवरी में पंजाबी रीति रिवाज से युवराज और हेजल की शादी हो सकती है। सगाई के बाद युवराज और हेजल मुंबई लौट आए हैं। जहाँ तक याद याद आती रहेगी।